गुरु नानक जयंती सिख समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन सिखों के पहले गुरु गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। गुरु नानक जयंती को गुरुपूरब या प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सिख धर्म के लोग गुरुद्वारा जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। गुरुद्वारों में होने वाले भजन कीर्तनों में शामिल होते हैं। तवारीख गुरु खालसा के अनुसार 500 साल पहले गुरु नानक देव जी आबू की पहाड़ी से उतरकर सतनाम के बीज बोते हुए बैटमा पहुंचे थे। बैटमा नगर में गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश पर्व नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में बड़े ही श्रद्धा एवं विश्वास के साथ शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दोनों ही गुरुद्वारों को आकर्षक रूप से फूलों के साथ सजाया गया था। रात को विशेष विद्युत सज्जा के साथ सजाया गया था। इस दौरान यहां गुरु का अटूट लंगर भी आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी। वहीं भक्तों द्वारा चाय, शरबत, केले सहित कई प्रकार की खाद्य सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण की गई। बैटमा सिख समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। संवत 1506 में यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज अपनी उदासी यात्रा के दौरान बैटमा आए थे और करीब 6 महीने तक निवास किया था। उनके चरण पादुका वाले स्थान को चरण पादुका गुरुद्वारा और जिस स्थान पर उन्होंने खारे पानी को मीठा किया था उस स्थान को बावड़ी साहब गुरुद्वारा कहा जाता है। प्रकाश पर्व के दिन यहाँ आसपास के कई नगरों व अन्य प्रदेश से संगत अरदास करने के लिए अनुयायी बैटमा पहुँचते हैं। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जो प्रकाश पुरब है, आज ही के दिन गुरु नानक देव जी तलवंडी पाकिस्तान में जन्म हुआ था। उनका आज गुरुद्वारा बेटमा साहब में परसों से बड़े जोरों शोरों से जन्मदिन प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। आज सवेरे प्रभात फेरी आरंभ हुई। प्रभात फेरी पूरे नगर में होकर आके गुरुद्वारे आके समाप्ति हुई। उसके बाद दीवान सजाया गया है। दीवान में शब्द कीर्तन गुरबाणी के जाप हो रहे हैं और सभी श्रद्धालु आके यहाँ पर नतमस्तक हो रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, सेवा सिमरन कर रहे हैं और गुरु का लंगर अतूट चल रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं धार से आया हूँ और पिछले साल भी आया था तो इस साल भी आया हूँ। और बहुत मतलब लोकल जो संगत है, जहाँ गुरुद्वारा जो कमेटी है, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रबंध जो है वो किया हुआ है। यहाँ पे संगत के आने का, उनके दर्शन करने का, लंगर का बहुत बढ़िया प्रबंध किया है। और मैं अपनी तरफ से गुरु नानक देव जी की जयंती पे, गुरुपुर पे सब संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।